हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से किन स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकता है और इन स्टॉक्स के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं गेल स्टॉक की, और गेल में मूवमेंट क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर आपको बाइंग करनी है। मेरे हिसाब से आपको 124 रुपए के आसपास और 127 का टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सपोर्ट यदि टूटता है तो आपको 122 के नीचे सेल करना है, और मैं मानता हूं कि 120 फर्स्ट टारगेट आपको और देन 119 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में आपको दिख रहा होगा यहां पे समय लग सकता है ब्रेकआउट होने में। यदि ब्रेकआउट हो जाता है इस ट्रेंड लाइन का तो आप ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। संभावना कम है तो इसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। फिर करते हैं ICICI बैंक। ICICI बैंक के स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ICICI बैंक में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, तो आप इसमें बाइंग साइड जा सकते हैं, ठीक है। टारगेट की बात करें तो इसमें आप टारगेट रख सकते हैं मेरे हिसाब से 900 पहला टारगेट आपका 976 रुपए के आसपास है। स्टॉक अभी 968 पर ट्रेड कर रहा है, और मेन टारगेट है आपका 982 रुपए, ठीक है। नजर बना करके रखें। अब अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है ग्रैनुअल्स इंडिया। इस स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट है, रिटेस्ट स्टॉक करने आया है, तो आपको यहां पे बाय करने का मौका मिलता है। स्टॉप लॉस लेकर के चले 310 रुपए का। स्टॉक अभी 311 पर ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात कर ले तो आपको टारगेट समथिंग 315 के आसपास का, 316 के आसपास का मिल जाता है पहला टारगेट, ठीक है। 316 रुपए के आसपास का टारगेट मेंटेन करके चले। बाकी अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको 322 तक भी स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। पहले टारगेट को ध्यान में रखें, ये मेन है, ठीक है। अगला स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है CUB, यानी कि सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक स्टॉक के बारे में बात कर ले तो ये स्टॉक आपको 130 रुपए के ऊपर बाय करना है, ठीक है। 130 के ऊपर आप बाय करेंगे, और यदि स्टॉक 128 के नीचे जाता है तो आपको सेल करना है, और टारगेट रखेंगे समथिंग 125 के आसपास। संभावना है 125 तक जाए, ठीक है। यदि ब्रेकआउट होता है तो आपको टारगेट मिल सकता है 134 के आसपास, ठीक है। बड़े टारगेट्स इन स्टॉक्स में मिलते हैं। पहला टारगेट आप रखेंगे 132, दूसरा टारगेट है 133। ये लेवल्स ध्यान में रखें, और लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड आप लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है साइनजीन। इस स्टॉक में आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट अगर होता है 812 के ऊपर, 826 का टारगेट लेकर के चलेंगे। उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आप लेकर चलेंगे 843 का टारगेट। ये दो टारगेट्स हैं स्टॉक इस स्टॉक में। यदि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है ये वाली, यानी कि स्टॉक 803 के नीचे चला जाता है, तो फिर आप 780 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट स्टॉक है UPL। लास्ट स्टॉक है UPL। UPL में आपको यहां पे बाइंग साइड में ट्रेड देखने को मिल सकता है। आपको बाय करना है स्टॉक को 608 के आसपास, 609 के, ठीक है। और टारगेट रखेंगे आप
613 और 618, ठीक 618 मेन टारगेट होगा, तो इन स्टॉक्स पर नजर बना करके रखें। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।